अपनी जायदाद मांगना माँ के लिए जुर्म बन गया। सौतेले बेटे कादिम हुसैन बंद अल्लाह रखा कौम कपड़ा ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। बेचारी खुले आसमान तले बे यारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर, पुलिस को भी दरख्वास्त गुजारी तहाल कोई कार्रवाई ना हो सकी। आला हुकाम मुझे इंसाफ दिलवाए मंजूरा माई की अपील। तराई के मुताबिक कस्बा गुजरात मौजा वेरर सपरा बस्ती बराहम वाला के रहायशी मंजूरा माई बेवा अल्लाह रखा कौम सपरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा की मैं एक बेवा खातून हूँ, खावन की फोतगी के बाद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूँ। खावन की तरफ से एक किनाल चोरा मरला अराजी जिसका कब्जा सौतेले बेटे कादिम हुसैन के पास था, उसका मुतालबा किया तो जालम बेटा तैश में आ गया और गलीज गालियाँ देते हुए घर से निकाल दिया। मेरा घर जो के NGO की तरफ से मिला था उस पर भी कब्जा कर लिया। मैंने पुलिस थाना महमूद कोट को दरख्वास्त गुजारी जिस पर इन्होंने टाल मटोल से काम लिया। मेरे हिस्से के जो जानवर थे वो भी गायब कर लिए गए और मेरे कमरे को ताला तोड़ कर कीमती सामान चुरा लिया गया। इन्होंने मजीद बताया कि कादिम हुसैन कब्जा ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसने कई लोगों के रकबे पर कब्जा किया हुआ है जिनके केस मुअज्जज अदालत में जेरे समात है। मंजूरा माई ने मीडिया के तवस्त से कमिश्नर डेरा गाजी खान, कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और DPO मुजफ्फरगढ़ से इंसाफ का मुतालबा किया।